अरे जी जी सजा जी ठीक है ठीक हाँ हाँ जी देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जिंदगी और मौत जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, इंसान का कोई दखल नहीं होता उसमें। भले बहुत लंबी जिंदगी नहीं जी उन्होंने, लेकिन जितनी भी जी भरपूर जिंदगी जी, मेरा उनका बहुत साथ रहा। रिश्तों की डोर एक सीरियल था, उसमें हम साथ थे, वक्त की रफ्तार में हम साथ थे, और अभी सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर एक फिल्म बनी है, उसमें हम साथ थे, काफी साथ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि काम करने में उनके बहुत ठहराव था, बहुत आत्मविश्वास था, बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर थे। तो यही कहूंगा कि 100 साल जीने से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब यह है कि आपने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में आपने क्या अचीव किया, और उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत अचीव किया, बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई, बहुत शोहरत कमाई। और आज उनके निधन पे टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे उनके निधन की खबर आई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो जो कुछ भी थे अपने टैलेंट के बलबूते पे थे, टैलेंट के ही बलबूते पे। दिल्ली से जब आए थे वो तो कुछ साथ लेकर नहीं आते सिवाय अपने टैलेंट के, और उसी टैलेंट के बलबूते पर वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए। वो बहुत उन्होंने ख्याति यश प्राप्त किया। आज गए हैं लेकिन खाली हाथ नहीं गए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं गए। बहुत प्यार पाया उन्होंने लोगों का, बहुत वाहवाही लूटी उन्होंने अपने काम की। और यही कहूंगा कि छोटी सी जिंदगी में उन्होंने बहुत अचीव किया जो एक आम इंसान के लिए करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मैं बहुत करीब था उनके, और हम लोग अक्सर फिल्मों के बजाय हम अपनी फैमिलीज को डिस्कस करते थे। कभी कोई फिल्मी बात नहीं होती थी, फैमिली की बात होती थी। तो जब भी उनसे मिलता था, घरेलू बातें होती थी, बच्चों की बातें होती थी, पारिवारिक ड्यूटीज की बात होती थी, तो यही उनसे बात होती थी। ज्यादा लोगों से वो घुलते मिलते नहीं थे, वो काम से काम रखते थे, कर्मयोगी थे। लेकिन क्योंकि मैं उनकी फैमिली को जानता था, उनकी वाइफ के साथ भी मेरी एसोसिएशन रही है, वो क्रिएटिव हेड थी, तो ये एक पारिवारिक रिश्ता भी था मेरा। मैं यही कहूंगा कि सब्र कीजिए, ऊपर वाला उनको स्वर्ग में एक अच्छा स्थान दे, और घर वालों को एक शक्ति दे, एक ताकत दे, इस सदमे को सहने की ताकत दे। बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिसमें गुजरती है वही जानता है। लेकिन यही कहूँगा कि वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा मरहम होता है, जो जख्मों को भर तो देता है लेकिन निशान रह जाते हैं, निशान तो रह जाते हैं, तो वो निशान तो हमेशा रहेंगे। बस यही है कि सब्र कीजिए, और सब्र करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बस हम इतना कह सकते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी थी उन्हें बुलाने की, और उनकी मर्जी के आगे हम सबको सर झुका के उनकी मर्जी को तस्लीम करना।